तैयार करवा के आ जाएंगे। तो भाई जान आपको भी ना भाई के साथ का लगा देते हैं काम पर। बंदे परवरदिगार मोहम्मद अहमद नबी दोस्त दारे चार यारन ताबा औलादे ओ के दे अपना बिस्ती सीधी सीधी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। और आप देख रहे हो जी मेरा यूट्यूब चैनल एम तैमूर आबिद। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। तो यार तीन चार दिन से वीडियो नहीं डाली थी, थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो आज तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। तो अभी भाई शो व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो भाई जान रिजवान भाई हैं दोस्त, तो आपको पता होगा। तो उनके साथ मस्जिद है ना, तो उधर है महफिल आज। तो आज उन्होंने उनके घर में जो कारी साहब हैं आलिम साहब आने तक जिन्होंने तकरीर वगैरह करनी, तो उन्होंने बैठना वगैरह जो है वो रिजवान भाई के घर ही है। तो उनके घर को काम वगैरह करना है। तो रिजवान भाई अभी आया मुझे लेने के लिए, तो उनके साथ जाना है। तो ये रिजवान भाई आए हुए हैं। तो रिजवान भाई आज फिर महफिल है जी, अल्हम्दुलिल्लाह महफिल है। तो कारी साहब कौन से आ रहे हैं, कोई पता है नाम शाम का जी? अलामा जियाउल कमर चिश्ती साहब आ रहे हैं। माशाल्लाह जी, सुना तो नहीं, मैं आज पहली बार सुनूंगा उनको। वैसे और सुनता रहता हूँ, तो आज इनको पहली बार सुनेंगे। बहुत अच्छे खतीब है। तो कभी सुना हुआ पहले आपने जी? मेरे उस्ताद हैं जी, बहुत दफा सुना। अच्छा अच्छा, तो आज फिर सुना है आपने भी। तकरीर शकरीर करनी है बादशाह जी? छोटे सा बयान करूंगा। नहीं बड़ा कर देना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो रिजवान भाई ने भी मस्जिद में ना महफिल पाक जब होगी तो बयान वगैरह करेंगे, तो फिर आपको भी दिखाएंगे, ठीक है, कैसा बयान करते हैं। तो फिलहाल चलते हैं रिजवान भाई के कार को काम है, थोड़ा सा वो करते हैं जी। तो यार अभी हम लोग आए हैं महफिल पाक के बाद जो लंगर तकसीम होगा उसको भी शुरुआत करनी है, मैंने बनाना है। तो सामान वगैरह देने आए हैं साथ, ये इमरान भाई हैं और साथ ये आपके नए बंदे से मिलवाते हैं जी मोहित अब्बास साहब। तो क्या हाल है भाई साहब, ठीक है? तो भाई जान 3 महीने बाद कराची से ना उनको छोड़ा है, डेढ़ महीने बाद। अच्छा, 1.5 महीने बाद उनको छोड़ा है, तो ये सीधे इधर आ गए हैं। चावल शावल आज होंगे ना भाई, फुल माहौल होगा। तो भाई जान मैं शहर होगी तो फिर आपको दिखाएंगे कि फुल माहौल में। मानी साहब आपने कुछ बयान वगैरह करना है या सिर्फ रिजवान भाई ने करना है? रिजवान ने करना, मैंने नात पढ़नी। नात पढ़नी, ठीक है, बयान होगी आपको दिखाएंगे। तो यार हम लोग चावलों की, तो हम लोग बैठे थे, ये मोहित साहब हैं, ये मानी साहब हैं, इनको क्या पता था क्या हो। तो अच्छा जी, आप एक बंदा दिखाते हैं जी, सूं कर आ गया जी, ये देखो ये भाई पहुंच गए भाईजान। यार चावल तो मस्जिद में थे, आप इधर क्या करने आए हो? भाईजान को समझाया करें यार आप इन्हें, बस पेट जितना लगवाया। खाना शाना घर मन तो नहीं कर रहा है आप? फुल सुबह कभी तो नहीं छोड़ा है, सिर्फ नाश्ता किया? ये भाई है, ये सुबह करने नाश्ता भी नहीं किया, चावल खाने आया, नाश्ता किया। भाई जान आपने जो बनाया है ना वो मेरे ख्याल में यही पूरा कर देंगे, इसको इतना पसंद नहीं है। अच्छा, तो भाई जान जी देख शेख बिल्कुल तैयार होने वाली है, चावल शावल डाल दिए इन्होंने। तो अभी हम लोग जा रहे थे जी फूल वगैरह लेने बाजार, तो ये मानी भाई हैं, ये तैयार करवा के आ जाएंगे। तो भाई जान आपको भी ना भाई के साथ का लगा देते हैं काम पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप भाई, जगह है आपके पास काम शाम के लिए? तो ये भाई है हमारे, इनको आपने ना सिखाना है सारा काम, ठीक है? तो तो ठीक है यार, अभी हम लोग ना जा रहे हैं जी बाजार को, फूल वगैरह लेकर आना है, पत्तियाँ वगैरह। तो मोहित भाई हैं उनके साथ जाना है, तो उनके साथ हम लोग जी चलते हैं। चलें जी मोहित भाई बाजार, सिर्फ नेट चलाऊंगा भाई जान, बाजार चलें फिर हम लोग। ये तो वेले हैं ना, इनको और काम नहीं है। चावल भाई रात 10 से पहले नहीं मिलने आपको, ठीक है? या जलील इसलिए कह रहे हैं कि सुबह का नाश्ते जी। तो फूल शूल लेने आए हैं हम लोग, तो मोहित साहब डिस्कस कर रहे हैं कितने लेने हैं, क्या हिसाब किताब है। भाई साहब लेते हैं फूल शूल, कितने लेने हैं भाई? 1000 रुपए की गट्टी टू आ जाएगा या क्या सीन है? नहीं आधा किलो। अच्छा अच्छा, बहुत हैं इतने।
अच्छा जी, तो हम लोग मस्जिद के बाहर पहुंच चुके हैं, महफिल पाक शुरू हो चुकी है, तो अभी जा रहे हैं मस्जिद के अंदर, तो महफिल पाक सुनते हैं, साथ में आपको भी थोड़ा बहुत ये सुनाएंगे। चावल का टाइम हो गया। अच्छा जी, तुझे देते हैं चावल इसी तरह जी। तो ये अभी भाई साहब हैं, वली साहब, तो ये जो कारी साहब आए हैं बयान करने, इनके साथ आए थे, तो इनसे भी मुलाकात हुई है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है इनसे मिलकर। तो भाई क्या हाल चाल है? माशाल्लाह इन शाह मैं जब भी चक्कर लगेगा ना आपकी तरफ, तो मैं सबको लंगर खिला दिया है, अब हमारी बारी है, हम लोग जी खा रहे हैं चावल शावल। ये मानी साहब, तो ये बंदा जी शाम 5 बजे का जो आकर बैठा है ना, इसे आप मिले हैं चावल है हमारे साथ ही। हाँ चावल तो बाश हो जी, ये हैवी वाले हैं। ये तो घर पहुंचे हैं जी, ये तो अभी हम लोग आखिरी बार ही लंगर कर रहे हैं। ये शराज भाई हैं, ये शराज भाई हैं, इनको आराम ही नहीं आता। लंगर किया तुमने 10 से 12 बार? बिस्ती सीधी सीधी शराज भी रज नहीं होती लाहौर। ये तो भाईजान लंगर पानी फुल टिका के इधर भी कर लिया, मस्जिद में भी कर लिया। ये रिजवान भाई हैं माशाल्लाह, कोई और काम है तो इन्होंने बाश तकरीर वगैरह की है बड़ी जबरदस्त किस्म की, और ये पहले बंदे हैं बिल्कुल जी। ठीक है, कोई काम है बंदा कभी नजर आया? ठीक है यार, ब्लॉग कर लेंगे एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, चंगा फौजी।